मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज किस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो रैंक पुश के कुछ टिप्स एंड कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने रैंक को प्लस कर सकते हो एंड बहुत ही आसानी से रैंक को प्लस करके बहुत ही इजी टू इजी तरीके से हीरोइक जा सकते हो। एंड आज की वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं था, बट बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सोलो रैंक के ऊपर वीडियो लेके आओ, सोलो रैंक के ऊपर वीडियो लेके आओ। सो यस गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो रैंक के कुछ अमेजिंग टिप्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी रैंक को प्लस करने में, ठीक है। एंड गाइस, बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि उनका फोन 2 या 3 GB रैम का होता है, ठीक है, एंड वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, रैंक को पुश नहीं कर पाते। तो अगर आपका फोन भी 2-3 GB रैम का है, तो ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज आज की जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने 2-3 GB रैम के फोन में भी बहुत ही आसानी से अपनी रैंक को प्लस कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आपके पास भी 2-3 GB रैम का फोन है, तो ऐसे में आप कभी भी डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज आपका भाई है ना। एंड भाई लोग, आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि आप लोगों को कौन सा एलाइट पास पसंद आता है, मतलब कौन सा एलाइट पास आपको पसंद है। एंड जो भी आपको एलाइट पास पसंद है, बस आपको उसको कमेंट करना है, ठीक है। एंड किसी एक प्लेयर को मिलेगा बिग वाला शाउट आउट, तो कमेंट करना मत बोलना। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो, तो वीडियो को पूरा देख के जाना, बिकॉज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस, रैंक मैच को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने लॉबी में आना होगा, एंड यहाँ पर लॉबी में आने के बाद आपको अपने कैरेक्टर को चेंज करना होगा। एंड यहाँ पर आपको टोटल 2 टाइप के स्किल दिए जाते हैं, पहला होता है एक्टिव स्किल एंड दूसरा होता है पैसिव स्किल। एंड गाइस, आपको अपने एक्टिव वाले स्किल स्लॉट में यूज करना है आलोक की एबिलिटी को, बिकॉज आलोक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मेरा HP बहुत ज्यादा कम है, मेरे पास मेडिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में मैंने आलोक का यूज किया, यहाँ पे आलोक मेरे को HP प्रोवाइड कर रहा है। एंड गाइस, ऐसे में मेरे को मेडिकेट भी ना मिले, कुछ और भी ना मिले, तो ऐसे में मैं आलोक की HP से भी रिकवर हो सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास आलोक नहीं है, तो ऐसे में आप ओकोंग का भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है। बट अगर आपके पास आलोक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आलोक का ही यूज करो, बिकॉज आलोक आपको बहुत तरीकों से हेल्प करता है। जैसे कि आपके पास मेडिकेट नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में आलोक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड आप आलोक से भी रिकवर हो सकते हो। एंड दूसरे वाले स्लॉट में आपको यूज करना है कैली की एबिलिटी को, जो कि आपको 6% तक ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है। एंड तीसरे वाले स्लॉट में आपको यूज करना है हयाटो की एबिलिटी को, एंड इसकी जगह पे आप मैक्सिम का भी यूज कर सकते हो, बट जो आपको अच्छा लगे आपको उसी को यूज करना है। एंड आप चाहे मैक्सिम को लो चाहे हयाटो को लो, पर आपको इन दोनों में से किसी एक को लेना है तो लेना है, चाहे जैसे लो। एंड लास्ट वाले स्लॉट में आपको यूज करना है मोको की एबिलिटी को, एंड इसकी एबिलिटी ये है कि जब भी आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे, तो उसके ऊपर एक एरो टाइप का आइकन 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा। एंड ऐसे में आप लोग सोच सकते हो कि इसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अगर आप सोलो मैच खेल रहे हो या फिर सोलो में अपनी रैंक को प्लस कर रहे हो, सो ऐसे में ये कैरेक्टर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड जितने भी मैंने आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताए हैं, आपको उन सभी को यूज करना है, ठीक है, एंड अपने सोलो मैच में ही यूज करना है। एंड आपको पता है कि अगर आप मोको लगा के खेलते हो स्क्वाड में, तो ऐसे में आपके किल चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे आप लोग एनिमी को 2 या 3 गोली मारोगे, तो उसके ऊपर एक एरो टाइप का आइकन आ जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे में आपके जो टीममेट होंगे वो आपकी किल चुरा लेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे मैं ऊपर की साइड जा रहा था, एंड यहाँ पे मेरे को एक बंदे ने पीछे से डैमेज दिया, एंड यहाँ पर मैं रुका, स्कोप खोला एंड सिंपल से थोड़ा सा ड्रैग किया, एंड सामने वाले बंदे को बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट लगा। एंड यहाँ पे आप लोग सोचो कि मैं एनिमी को क्यों मार पाया, क्योंकि उसके पास भी सेम गन था, मेरे पास भी सेम गन था, वो भी सेम दूरी पे था, मैं भी सेम दूरी पे था, बट वो मेरे को क्यों नहीं मार पाया। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुम प्रो हो, तुम महान हो, तुम लेजेंड हो, इसलिए तुम उसको मार पाए, बट गाइस मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी आप यहाँ पे मेरा पोजीशन देखो एंड सामने वाले एनिमी का पोजीशन देखो, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों सेम दूरी पे हैं, बट वो फिर भी मेरे को नहीं मार पाया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो गाइस, मैं कहाँ पे हूँ एंड मेरे जो एनिमी है वो कहाँ पे है, ठीक है। मतलब मेरे पास हाइट का एडवांटेज था एंड जो मेरा एनिमी था वो नीचे की साइड था। एंड आपको पता है कि जब भी हम हाइट पे खड़े होकर मारते हैं, तो नीचे जो बंदा होता है उसको ऑटोमेटिकली बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट लगता है। एंड ऐसे में आप थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो, तो सामने वाले बंदे को बहुत ही तगड़ा वाला हेडशॉट लगता है। एंड भाई लोग, यही सब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, ठीक है, एंड आपकी रैंक को भी बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो आपको इन सभी छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखना है। एंड अगर आप किसी एनिमी से फाइट कर रहे हो या फिर कोई एनिमी आपको डैमेज दे रहा है, तो ऐसे में आपको किसी हाइट वाले प्लेस पे चले जाना है, जहां से आप एनिमी को बहुत ही आसानी से मार पाओ, ठीक है। एंड हाइट का एडवांटेज आपको पता है कि कितना ज़्यादा हाई होता है। एंड यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चांसेस होते हैं कि आप एनिमी को बहुत ही आसानी से हेडशॉट वगैरह मार पाओ। एंड अगर आप किसी हाइट वाले प्लेस पे खड़े होकर किसी एनिमी को मारते हो, तो ऐसे में आपका हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई एनिमी वगैरह है, तो ऐसे में आपको किसी हाइट वाले प्लेस पे चले जाना है, जहाँ से आप एनिमी को बहुत ही आसानी से मार पाओ।
एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मेरे ऊपर एक एनिमी है जो कि मेरे को काफ़ी सही डैमेज दे रहा था एंड उसको अभी तक पता नहीं कि हम उसके पप्पा हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट किया एंड यहाँ पर एनिमी जैसे मैंने कवर फायर करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने कवर से निकल के फायर करना स्टार्ट किया एंड यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी सही डैमेज दिया था। एंड जब मुझे लगा कि सामने वाला एनिमी बहुत ज़्यादा डैमेज है तो मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट रश कर दिया। एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मैंने हैकर आई की एबिलिटी को यूज़ किया था एंड इसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि एनिमी इस वॉल के पीछे है एंड इसको मैंने इधर से जाके बहुत ही आसानी से मार दिया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप सोलो रैंक खेलो तो ऐसे में आपको हैकर आई की एबिलिटी यानी मोको की एबिलिटी को जरूर यूज करना है, ठीक है। एंड मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ये कैरेक्टर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सोलो रैंक में, तो अगर आप इसका यूज करते हो तो आप बहुत ही आसानी से रैंक को प्लस कर पाओगे एंड बहुत ही आसानी से हीरोइक वगैरह जा पाओगे। तो गाइस अभी बात करते हैं जिनके पास 2 या 3 GB रैम का फोन है या फिर कोई लो एंड डिवाइस है तो उनको फाइट कैसे लेना है। तो गाइस अगर आपके पास 2 या 3 GB रैम का फोन है या फिर कोई लो एंड डिवाइस है तो गाइस ऐसे में आपको ऑलवेज लॉन्ग रेंज में फाइट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई एनिमी हमको शॉर्ट रेंज में डैमेज देता है फिर कोई स्क्वाड हमारे ऊपर रश करती है तो ऐसे में हमारा फोन बहुत ज्यादा लैग करने लगता है, हम ठीक से खेल नहीं पाते हैं। तो अगर आपके पास 2 या 3 GB रैम का फोन है या फिर कोई लो एंड डिवाइस है एंड आप उसमें शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हो तो ऐसे में आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज ऐसे में आपका फोन बहुत ज्यादा लैग करने लगेगा। तो गाइस अगर आप 2 या 3 GB रैम के फोन में खेलते हो एंड आपके पास कोई लो एंड डिवाइस है तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लॉन्ग रेंज में ही फाइट लो, बिकॉज लॉन्ग रेंज में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप जैसे कि मान के चलो कि आप शॉर्ट रेंज में हो, ठीक है, एंड शॉर्ट रेंज में कोई बंदा आपको डैमेज देता है तो ऐसे में आप शॉर्ट रेंज में मेडिकेट भी नहीं लगा पाओगे, ना ही कवर ले पाओगे, ना ही बैक जा पाओगे। बट लॉन्ग रेंज में क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है तो आप उतनी देर में मेडिकेट भी लगा सकते हो, बैक भी जा सकते हो एंड थोड़ा बहुत कवर भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास 2 या 3 GB रैम का फोन है तो ऐसे में आप ट्राई करो कि आप एनिमी से लॉन्ग रेंज में ही फाइट लो, बिकॉज लॉन्ग रेंज में आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हो तो ऐसे में आपके मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका फोन बहुत ज्यादा लैग करने लगेगा। सो ऐसे में आप डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पे फाइट लेना चाहते हो, शॉर्ट रेंज में कि लॉन्ग रेंज में। एंड गाइस मैं भी शॉर्ट रेंज में फाइट नहीं ले पाता हूँ बिकॉज मेरे पास भी 2-3 GB रैम का फोन है एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मैं ज्यादातर करके लॉन्ग रेंज से ही फाइट ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी फोन बहुत ज़्यादा लैग करता है एंड जब भी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो और भी ज़्यादा लैग करता है, बट फिर भी मैं कैसे भी करके गेम को खेल लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मेरा लास्ट जोन बन चुका है एंड यहाँ पर मैं जोन के अंदर जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं जोन के साइड से होकर जोन के अंदर जा रहा हूँ। एंड जब भी आपका जोन बने तब आपको जोन के बिल्कुल किनारे पे रहना है एंड जब भी आप जोन के अंदर जाओ तो ऐसे में आपको जोन के साइड से होकर जोन के अंदर जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक बंदा मेरे ऊपर रश कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने का ट्राई कर रहा हूँ एंड इसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड मैंने इसको किल कर दिया, बट तीसरा वाला बंदा मेरे को M82B से मार के चला गया। सो यहाँ पर मेरा भूया तो नहीं हुआ बट मेरे 6 किल तो ऑलरेडी हो चुके थे एंड यहाँ पे मैं टॉप 2 में पहुँच गया था। एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि ना तो मैं सर्वाइव किया ना ही कोई कैंप किया, बट फिर भी मैं टॉप 2 में आ चुका था। तो यहाँ पे आप लोग कैसे प्लस कर सकते हो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।